हेलो दोस्तों, तो क्रिप्टो फायर के एक और नए फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग यूएमए कॉइन के बारे में बात करने वाले हैं। यूएमए कॉइन ने आज अच्छा खासा पंप दिखाया, लगभग 66% के अपसाइड के मोमेंट पर ही। मैंने अपने टेलीग्राम पे आपको अपडेट भी किया था, क्योंकि वहां पे एक लेवल ब्रेकआउट हो रहा था जो कि वीकली टाइम फ्रेम पे भी और डेली टाइम फ्रेम पे भी दोनों जगह जो इसका लेवल ब्रेक हो रहा था, और ये अच्छा खासा मोमेंट दिखा सकता था क्योंकि इसके मार्केट की वॉल्यूम बहुत ही अच्छी दिख रही थी। देखिए, जैसा कि मार्केट कैप लगभग 85% इंक्रीज कर गया और 157 इसकी मार्केट रैंक है, और वॉल्यूम जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं 1722.65% के अपसाइड के मूवमेंट में इसकी वॉल्यूम इंक्रीज किया लास्ट 24 आवर्स में। बाकी के डिटेल्स इसके हम लोग यहां देखेंगे, इसकी अभी चार्ट एनालिसिस भी देखेंगे। ये अपने ऑल टाइम लो से लगभग 237% अपसाइड के मूवमेंट पे है और ऑल टाइम हाई से लगभग 90% ये डाउन है, क्योंकि देखिए जब रिसेशन आया तो हर एक कॉइन गिरा था, तो इसमें भी गिरावट देखने को मिली, लेकिन ये अभी भी अपने लो टाइम से 237% अपसाइड के मूवमेंट में, जिसमें कि इसने आज 82% का मूवमेंट तो इसने आज ही दिखा दिया। तो कहाँ पे लेवल है, कहाँ पे एंट्री है, अभी हम लोग उसको भी डिस्कशन करने वाले हैं। बस ये आप न्यूज देख के 82% देख के मार्केट में बिल्कुल ना कूदे, वरना आप लॉस कर सकते हैं। सबसे पहले आप हमारे लेवल को चेक करें, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर से ज्वाइन करें। तो सबसे पहले चलिए हम लोग आ जाते हैं, लेवल देखते हैं। तो देखिए, ये लेवल जो मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगा। ये सबसे पहले हमारा डेली टाइम फ्रेम का है और यहाँ पे ये प्राइस डॉलर्स में इसका शो किया हुआ है। ये देखिए, लगातार ये डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में था। इसने अभी तक अपने एक भी डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड को ब्रेकआउट नहीं दिया था। ये हमारा सपोर्ट लेवल है, जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है ये हमारा सपोर्ट लेवल है, और देन ये जो है हमारी ट्रेंड लाइन है जो कि ऊपर के सीरीज को टच कर रही है। और यहाँ से आपको एक चीज देखने को मिलेगा, ये हमारा बीच का एक रेंज बन गया था, यानी कि ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बीच का रेंज था, और ये जैसे ही रेंज ब्रेकआउट होता तो एक अच्छी खासी मूव आपको देखने को मिली। और चलिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि देखिए, ये हमारे सपोर्ट से यहाँ तो गया था, ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट हुआ, और ये वीकली टाइम फ्रेम पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, वीकली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को आपको मिल रहा है, अपना डेली टाइम फ्रेम पर तो क्लियरली दिख रहा है हम लोग को। जैसे ही ये सपोर्ट लाइन को इसने ब्रेक किया, तो यहाँ पे देखिए, फिर से मैंने बोला था रिटेस्टिंग का फंडा अपनाना, रिटेस्ट हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे अगेन से जैसे ही इस लाइन को इसने ब्रेक किया तो एक अच्छा खासा मूवमेंट लगभग जो है 80% के आसपास का इसने मूवमेंट दिखा दिया। तो अभी इसमें टारगेट क्या हो सकता है, देखिए टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। देखिए, अगर इसके ऊपर सस्टेन कर गया, यानी 0.486 के ऊपर अगर सस्टेन कर गया, देन जाके हमको एक और फ्रेश एंट्री मिल सकती है, और देन जाके हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा लगभग यहाँ पे $10 के आसपास। तो ये बात आप हमेशा से ध्यान में रखें जब ये लेवल ब्रेक होगा अब हमारा, क्योंकि अभी मार्केट ने ऑलरेडी मूव दे चुका है। तो मार्केट 0.4.086 जो अगर ब्रेक करता है तो एक और अच्छा चांसेस बन सकता है इसमें। अगर यहाँ से डाउन होता है तो ये हमारे सपोर्ट की तरफ बढ़ करेगा 2.396 पे। यहाँ पे अगर एक एंट्री मिलती है तो आप बना के अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आएगी। इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर, सी यू मीट अगेन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।